चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि किसी केमिस्ट ने 10 ग्राम PbCl2 को 50 ml वाटर में डिसॉल्व किया है और 25 डिग्री सेल्सियस पर उसने यह ऑब्जर्व किया कि केवल 0.22 ग्राम्स PbCl2 सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो हमें PbCl2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर और मोल्स पर लीटर में बतानी है। क्वेश्चन में PbCl2 का मोलर मास 278.1 ग्राम्स पर मोल गिवन है। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और 2 मिनट का समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस हमें सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर या मोल्स पर लीटर में बताना है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें 50 ml गिवन है, तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0.05 लीटर्स। हम जानते हैं कि ग्राम्स पर लीटर में सॉल्युबिलिटी इक्वल होता है अमाउंट डिसॉल्व्ड इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स इन लीटर। तो गिवन वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करें तो हमें सॉल्युबिलिटी 4.4 ग्राम्स पर लीटर मिल जाती है। यदि हमें सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकालनी है तो सबसे पहले हम डिसॉल्व्ड अमाउंट के मोल्स निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा डिसॉल्व्ड मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ PbCl2। तो इन वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे तो हमें मोल्स की वैल्यू मिल जाती है 0.00079 मोल्स। तो इस वैल्यू को मोल्स पर लीटर के सॉल्युबिलिटी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें सॉल्युबिलिटी 0.0158 मोल्स पर लीटर मिल जाएगी।